अच्छा तो सिला ले बुमरो बुमरो जाम रंग बुमरो छोटी सी कन्या एक मोटी सी कन्या हाय YouTube फैमिली, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल की न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया हो गए। तो गाइज, अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैंने नहा धो लिया है, मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज मैंने बाल भी धोए हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैं अपनी मेकअप किट बदरपुर ही भूल के आई हुई हूँ। मैंने जस्ट अभी नोटिस किया, मैं जब आईलाइनर लगाने के लिए ढूंढने लगी तो फिर मैं किट देखने लगी तो मुझे याद आया मैं मेकअप किट ही नहीं लेके आई हूँ यहाँ पे। फिर मैंने मामी को फ़ोन करके कन्फर्म किया, वो कह रहे हाँ तेरी किट यहीं पर पड़ी है। और मैं अपने एयरपोर्ट जो है वो भूल के आई हूँ कब्बू के घर में। अब की पता नहीं क्या हो गया, सारा सामान ही ना मैं लखनऊ में भी यहाँ वहाँ सारा कहीं कुछ ना कुछ भूल के आई हुई हूँ। तो अभी देखते हैं, जब भी कुछ फ्री होंगे जाएंगे बदरपुर, फिर लेके आएंगे मेरी मेकअप किट, तब लगेगा मेरा लाइनर। अभी फिलहाल तो बिना लाइनर के व्लॉग्स बनेंगे। तो ठीक है, दिन भर में जो भी होता रहेगा दिखाती रहूंगी आपको इस व्लॉग में, बने रहिए मेरे साथ। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, मन से कोई है दुखी, तन से कोई है दुखी, हे प्रभु दया करो, कुल जहां हो सुखी, सबके दुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। अभी बाल सुलझा लिए मैंने, अभी छोटे हैं बाल, इतने लंबे भी नहीं हुए, अभी से इतने उलझने शुरू हो गए ना, बस यही दिक्कत है। जैसे बाल थोड़े लंबे होंगे उलझने स्टार्ट हो जाते हैं, इस वजह से मैं कटिंग करवा देती हूँ। फिर अप्रोक्स घंटा हो चुका है, लाइट गई हुई है, अभी तक लाइट आई नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ कुछ चुभे हुए नहाने के लिए, अंधेरे में पता नहीं कैसे नहा रहे हैं। अभी यहाँ पर बनाया जा रहा है सुबह का नाश्ता, पनीर की सब्जी साइड में गर्म हो चुकी है, चाय बन रही है, दूध उबल चुका है और अभी मैं बना रही हूँ सिंपल पराठे। फोन में व्यस्त पतिदेव, सुबह का नाश्ता करते हैं। फोन नंबर चेंज कर, मैनू बस तू चाहिदे, तू चाहिदे भावे सोने ले लख वे, तेरे ते मेरा मेरा। हां जी बताइए। अभी मैं जा रही हूँ अपना सूट स्टिच करवाने के लिए, सूट स्टिच करवाना है, हम जाएंगे दर्जी के पास, नहीं दर्जियान के पास, वो भी पहाड़ी हैं, हमारे कुमाऊँ के ही हैं, हमारे नेबर में हैं, उनके जान पहचान के हैं। तो अभी जा रही हूँ, देखती हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे सूट स्टिच करवाने लगी हूँ, देखते हैं कैसा बनेगा। अभी तो देने जा रही हूँ, सिलेगा तब देखेगा कैसा बने। चलिए अब चलते हैं घर की तरफ, वापस, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, धूप भी है, हवा भी चल रही है। कबाड़ी वाले क्या कर रहे हैं, देखो क्या गंद मचा रखा है, सारे जूते चप्पल घर के अंदर इकट्ठे करके। लव तू तो ना बस जय जय कर रहा है तेरी, अपनी मम्मी के प्राण ले लो तुम लोग। ये टीवी चल रहा है फ्री फंड में, ये लवी के काम देखो, कॉपी किताब कुछ नहीं है लवी के पास, ये देखो क्या कर रखा है। अभी यहाँ पर खेला जा रहा है ऊंच नीच का पापड़ा, ओ ओ ऊंच नीच का पापड़ा, गधे ने मारा झापड़ा, ऊंच मुंगी के नी, क्या आप लोगों ने खेला ये गेम कोई बचपन में? नहीं,
लवी को पकड़ लिया। चल 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 चीटिंग नहीं चलनी, चल 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 पकड़, चल जल्दी आ, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। अभी मैं आ गई हूँ घर वापस। मेरी ना रूम की सेटिंग नहीं हो पा रही, जब से मैं वापस आई हूँ सामान इधर उधर सारा उथल पुथल कर रखा है कुछ ने सच में। अभी टाइम लगेगा सेटलमेंट करने में, तो फिलहाल मैं कुछ देर के लिए फ्री हूँ, या टाइम निकाला है स्पेशल ये लगा लो, नहीं तो काम तो दिन भर ख़त्म ही नहीं होते हाउस वाइफ के, जो आपको पता ही है, जो लोग घर में घर संभालते हैं उनको पता है दिन भर लगे रहो काम ख़त्म नहीं होता। तो अभी मैं करने लगी हूँ आपके कमेंट्स के रिप्लाई, इसके साथ ही व्लॉग एडिट जो आज शाम को अपलोड करना है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी अपने काम से फ्री होकर एक बार फिर से मैं आई हूँ लवी की मम्मी के घर। मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि अभी लवी की मम्मी मेरा करने लगी है फेशियल। लवी की मम्मी ने पहले पार्लर का काम भी किया हुआ है, मुझे इस बात का पता नहीं था, मुझे कुछ दिन पहले पता लगा है। और जैसे कि मैं आपको पहले बोल रही थी व्लॉग में कि टैन हो रखा है फेस पे काफी, मैंने कहा करवाना तो है ही, लवी की मम्मी के पास ही करवा लेते हैं। तो देखते हैं लवी की मम्मी आज कैसा फेशियल करेंगी हमारा। अगर ग्लो नहीं आया ना लवी की मम्मी तो कोई बात नहीं, हमारा जूड़ा बनाया जा रहा है, हमारी पोनी बनाई जा रही है। ये भी कोई पूछने की बात है? बिल्कुल जाओ मिलो। अच्छा आई एम गेटिंग लेट, मैं निकल रहा हूं, बाय। चलो मैं भी चलता हूं। अभी फेस पे लगाई जा रही है ब्लीच। क्यों है टीवी पे चल रहा है क्राइम पेट्रोल, अभी एडवर्टाइजमेंट आ रखी है, वैसे हम देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल जो कि लवी की माँ का फेवरेट है, जब देखो यही देखती रहती है 24 घंटे, शाती दिमाग सफेद भूत ही। लव क्या तुझे मुझे डर लग रहा है? नहीं लगा डर? कॉटन में गुलाब जल लगाकर अभी लगाई जा रहा है आंखों में, इससे सुकून प्राप्त होगा मुझे, ऐसा कहना है लवी की मम्मी का। अब मैं सो जाऊंगी ऐसे, क्योंकि नींद तो मुझे आ ही रही है, सो जाऊं। ये चाची का क्या हाल हो गया? व्हाइट इज व्हाइट। कैसी लग रही लवी? मैं अच्छी लग रही हूँ, ऐसे रहूं मैं? ऐसे रह लो? नहीं। ये बालक देख लो कैसे मंडरा रहे हैं, इनको कहा जा रहा है कि बेटा तुम बाहर जाओ घूम लो, पर नहीं, इनको यही मंडराना है, इनको यही मजा आ रहा है। अब ब्लीच उतारी जा रही है फिर से। अबे कौन से भूत चढ़ रहे तेरे पे? इसकी गाड़िया वाड़िया देख लो भैया सारी, नहीं तो लड़का बावला हो जाएगा आज तो। देखिए मम्मी, मम्मी चाची का फेसल कर रही है और चाची आराम से लेटी हुई है कुर्सी पे। मम्मा का ये, मम्मी की ये सही जुगाड़ है, फेसल भी करती रहेंगी टीवी देखती रहेंगी, थोड़ा सा फेसल थोड़ा सा टीवी, ऐसी देख ऐसे करते करते इनका हो जाएगा फेसल। और लव महाराज ने हमने ट्रैक्टर गिरा दिया नीचे। और महाराज जी हमें भी ले जाओ ट्रैक्टर पर बिठा के। ना क्यों, क्यों नहीं लेके जाओगे? बैठो। अभी फेस पैक लगाया जाएगा, उसके बाद मसाज की जाएगी। ओके फेस पैक अप्लाई किया जा रहा है फेस पे। हेलो, यहाँ पे फेस पैक लग रहा है। लास्ट छठा स्टेप जेल लगाई जा रही है अभी फेस पे, और की जाएगी थोड़ी सी और मसाज। बुमरो बुमरो जाम रंग बुमरो। फाइनली फेशियल कंप्लीट हो चुका है। क्या मेरे फेस में कुछ आपको फर्क दिखाई दे रहा है? क्या मैं आपको पहचान में आ रही हूँ? नहीं ना, बिल्कुल नहीं पहचान पा रही ना आप मुझे। यार मेरे फेस बहुत फिट कर रही है मुझे। विक्स लगा दूंगी रात को, अभी सोए ना हल्के से विक्स ऐसे ही लगा लेना बस, इस पे फर्क पड़ता है बिल्कुल, यहाँ की नींद दब जाएगी। अच्छा अभी मैं और लवी घर वापस आ गए हैं। कैसा लग रहा है मेरा फेस का ग्लो? बस इस फिंसी को इग्नोर कीजिएगा, अभी हम करेंगे धूपबत्ती। मैं करूंगी आज, अभी हम जलाएंगे जोत। आज लवी कह रही है कि मैं जोत जलाऊंगी, चलो देखते हैं लवी को सिखाती हूँ कैसे जोत जलाती। लवी जोत जला रही है, ओए होए मेरी संस्कारी छोरी।
जोत जले दिन रात, मैया जी तुमरी जोत जले दिन रात, जोत जलाई तुमरी शिव शंकर ने गौरा माँ के साथ, मैया जी तुमरी जोत जले दिन रात। सबके मन को भा गई रे एक छोटी सी कन्या, चाची के घर में आके जोत जला गई रे एक छोटी सी कन्या, छोटी सी कन्या एक मोटी सी कन्या, सबके मन को भा गई रे एक छोटी सी कन्या। अभी मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं रात के खाने में, क्योंकि सब्जी वगैरह कुछ फ्रिज में पड़ी नहीं थी और मंडी लगने में भी टाइम है। तो मैंने मम्मा को कॉल किया, तो मम्मा से बात की, नानी माँ से बात की, पापा से बात की, तो मम्मा ने सजेस्ट किया कि जो लोबिया की दाल होती है उसमें घोंट की दाल मिक्स करके अगर बनाई जाए तो वो टेस्टी बनती है। मैंने वैसे कभी बनाई नहीं है, फर्स्ट टाइम ही ट्राई करने लगी हूँ। जो भी बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी, जैसा भी टेस्ट होगा वो आपको कुछ बताएंगे फाइनली जब घर आएंगे वापस। अभी तो जॉब पर ही, अभी उनका कॉल भी नहीं आया कि वो निकले या नहीं निकले, तो उनके घर वापस आने से पहले मुझे ये जो दाल है वो रेडी करनी है। और जो घोंट की दाल है वो हमारे उत्तराखंडी लोग तो जानते ही हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ किचन में जाके। वैसे जो लोबिया उसको रखना पड़ता है भिगा के, पहले मैंने नहीं भिगाया तो मुझे एक्स्ट्रा सीटी लगवानी पड़ेगी उसको कुकर में। जो भी होगा देखते हैं, चलो ठीक है, सबसे पहले बढ़ते हैं किचन की ओर। और अभी ये लवी महारानी यही है, खेल रही है किसके साथ? श्रीवल्ली के साथ। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, इसका नाम श्रीवल्ली आपको पता है? ये श्रीवल्ली है, ये श्रीवल्ली है, ये श्रीवल्ली है। चलिए यहाँ पे लोबिया और घोंट की दाल मैंने भिगा के रखी हुई है। ये जो बारीक बारीक दिखाई दे रहे हैं ना ब्राउन वाले दाने, ये होती है घोंट की दाल। ये हमारे पहाड़ में इसको घोंट की दाल कहते हैं, यहाँ भी होती होगी, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। तो अभी चलिए सबसे पहले इसको हम लगाएंगे कुकर में सीटी। जब तक कुकर में हमारी दाल उबल रही है तब तक मैं बाकी का तड़के का सामान काट लेती हूँ। सारा तड़के का सामान काट लिया, यहाँ पर मैंने अदरक है, लहसुन है, इसके साथ ही प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है और हरा धनिया है। हमारे घोंट और लोबिया की दाल अच्छे तरीके से उबल चुकी है, दिखाती हूँ अभी मैं आपको। ये देखिए बढ़िया तरीके से पिस रही है। ये धोकर कढ़ाई रख दी है मैंने आज पर, जैसी कढ़ाई गर्म हुई उसमें तेल डाल दिया है। आगे का प्रोसेस आपको दिखाती रहूंगी। सबसे पहले गर्म तेल में जाएगा जीरा, जीरे के ब्राउन होते ही इसमें हम डाल देंगे हमारा अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन के ब्राउन होते ही इसमें जाएगा प्याज, प्याज के ब्राउन होते ही हम इसमें डाल देंगे हमारा कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च। एक मेरा भी कटा हुआ डाल देंगे स्वाद अनुसार मसाले, नमक, गरम मसाला, हल्दी और हल्की सी ग्रेवी मिर्च कलर के लिए। बस यही मसाले यूज कर रही हूँ मैं इसमें, और इन मसालों को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे आपस में। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी, ये सब काफी जरूरी है। थोड़ा सा पानी डाल के ना तड़के में इसको पका लिया करो ढक्कन लगा के, जो कोई कमी पेशी रह गई हो, कोई मसाला ढंग से नहीं पकाया कुछ भी है, तो उस स्टेज पे जो है सारी कमी पेशी पूरी हो जाती है। चलिए ढक्कन लगा देते हैं और इसको पकने देंगे 5 से 10 मिनट तक सिम गैस पे, गैस सेम। जब तक हमारा तड़का बन रहा है तब तक मैं बर्तन साफ कर लेती हूँ। होदी भर गई है, यही होता है बनाने लगो ना किचन में,
सबसे पहला काम ये है कि शिंक भरेगा फुल को फुल बर्तनों से। मेरा गला खाली लग रहा है, मेरा मंगलसूत्र लवी की मम्मी के घर ही रह गया मुझे लगता है फेशियल करते टाइम। मेरा मंगलसूत्र के गला कितना खाली खाली सा लग रहा है ना, कि लेके आती हूँ बर्तन धोकर उनके वहाँ से। तड़का लगा लूँ पहले फ्री जाऊँगी। आपको दिखाई दे रहा होगा कि तेल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा तड़का है बढ़िया तरीके से पक चुका है, जो टमाटर है वो भी बढ़िया तरीके से पिस चुका है बीच में। तो अभी स्टेज पे हमारा जो ये उबला हुआ लोबिया है और घोत की दाल है इसको हम डाल देंगे तड़के में। लोबिया और घोत की दाल को हम तड़के में मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। इसको थोड़ी देर पका के, वैसे तो हमारे उबली हुई है अच्छी तरीके से घोत की दाल और भट्ट सॉरी लोबिया। अगर आप इसको ऐसे ही खाना चाहते हो तो सब्जी की तरह ऐसे भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है ऐसे भी खाने में। और उबाल के जस्ट वैसे भी अगर आप इसमें नमक मिर्च ऊपर से डाल के भी खाओगे ना, वैसे भी चार टाइप सी बन जाती है ये। अभी तो जिसमें तड़का लगा दिया इसमें, ऐसे खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको इसकी ग्रेवी बनानी है तो थोड़ा इसमें पानी डाल दो, तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको रोटी के साथ खाएंगे हम लोग इसको। वैसे आप चावल के साथ खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, तो चलिए पहले इसमें पानी डालते हैं थोड़ा। अभी इसमें ऑलमोस्ट एक गिलास पानी मैंने मिला दिया है और इसको अभी थोड़ी देर और पकने देंगे हम, ताकि जो ग्रेवी है वो अच्छी तरीके से घुल मिल जाए हमारी दाल के साथ। देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो सब्जी है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो चुकी है। लोबिया और घोत की दाल कहेंगे हम इसे, सब्जी नहीं कहेंगे। चलिए अब लास्ट स्टेप हमारा, इसके ऊपर हम डाल देंगे धनिया पत्ता। यस, अभी हमारी गर्मा गर्म सब्जी तैयार हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। धनिया पत्ता भी इसमें मिला दिया है मैंने। ना ज़्यादा गाढ़ी है ना ज़्यादा पतली है, बिल्कुल मीडियम है। ये रोटी के साथ खाने के लिए बनाई है मैंने। अगर आपने चावल के साथ खानी है तो और इसमें आप तरी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा। अभी बारी है आटा गूंदने की। सामने चल रहा है टीवी में डांसिंग शो। पिताजी के कहे वचनों के अनुसार एकदम परफेक्ट वाला आटा तैयार है। कुछ आ गए, चलिए अब खाना बनाएंगे। आलू उबाल के उसमें हल्का सा मसाला डाल के सिंपल ही आलू की सब्जी सूखी वाली तैयार की गई है। अभी तवे पे फूलती हुई मेरी गर्मा गर्म रोटी देखिए। आए हाय आए हाय आए हाय, अभी बनाई जा रही है यहाँ पर गोल गोल गर्मा गर्म रोटी। आलू की सूखी सब्जी और दाल हमारी तैयार हो चुकी है, कुछ घर आ गई है। जैसे राधा ने माला जपी शाम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। अभी कुछ खा रहे हैं यहाँ पे खाना। कैसी लगी कुछ आपको सब्जी दाल? बढ़िया बना रखी है। अच्छी लगी, गांव वाली थोड़ी सी फीलिंग आ रही है। अभी मैं फोन में काम कर रही थी अपना एयरपोर्ट लगा के, फिर मैंने कहा चलो पहले बर्तन साफ कर लेते हैं फिर काम करूंगी। ओ नो, मैं मंगलसूत्र लाना भूल गई लवी की मम्मी के घर से, काम में इतना बिजी हो गई, अब कल लेके आऊंगी। लड्डू खाएंगे जी हम तो, लड्डू खाएंगे पतिदेव। शानदार, ये शानदार। तो गाइस कुछ इस तरीके से बीता मेरा आज का दिन। जो फेशियल किया है उसका ग्लो तो अभी एक दो दिन में दिखाई देगा। वैसे क्या आपको लग रहा है कुछ फर्क? अभी तो क्या पता लगेगा वैसे। और जो दाल बनाई थी वो घर में सभी को बहुत ज्यादा पसंद आई। कुछ आपको अच्छी लगी ना? बढ़िया थी, बढ़िया थी। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो आज का व्लॉग यहीं तक था। बोल दो कुछ प्लीज। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। क्या? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें पुच्चू का चैनल। कर देना प्लीज, कर देना। कुच्चू के कहने पे तो कर देना, देख लो कितने प्यारे तरीके से कह रहे हैं आपको कर देना, नहीं तो आपको पता है गुंडा कर दी फिर कुच्चू की। या ये आहा आहा।